हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल हितल्स कॉर्नरस्टोन। आज हम देखेंगे एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो अबाउट कनाडा। राइट, हम सब वरीड है कि कब कनाडा की बॉर्डर्स ओपन होगी, कब वीजाज आएंगे। राइट, एवरीथिंग अबाउट कनाडा। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, सो आपको नए नए अपडेट कनाडा के बारे में मिलते रहेंगे। स्टडी परमिट, वर्क परमिट, पिया, LMIA और सब कुछ। राइट, रिगार्डिंग कनाडा। ओके, सो आज का वीडियो है क्या रहेगा कि सबको वेटिंग है क्या, कब स्टार्ट होगा कनाडा का प्रोसेस। राइट, कौन कौन वर्कर है जो कनाडा में एंट्री ले सकते हैं, बिकॉज सिंस मार्च 18 से कनाडा ने सब उनके बॉर्डर्स क्लोज कर दी है। राइट, ड्यू टू COVID-19 और करंट ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन भी है, वो अभी एक्सपायर होने वाले है ऑन 30 जून में। ओके, बट कनाडा में कनाडा की जो क्रॉस बॉर्डर लेवल है, राइट, क्रॉस बॉर्डर लेवल ट्रैवल बिटवीन कनाडा एंड यूएस आर इन स्टिल प्लेस। ओके, अप टू July 21। ओके, सो यूएस एंड कनाडा से क्रॉस बॉर्डर वो बंद है, पर सभी क्रॉस जो बॉर्डर्स है वो ओपन होने वाली है ये जून में। ओके, सो दिस इज अ ग्रेट न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस। सो हम आज जान लेते हैं कौन कौन से वर्कर्स है उनको कनाडा में एंट्री मिल सकती है, वो एंट्री ले सकते हैं। राइट, सो ये गाइडलाइन IRCC की वेबसाइट पर भी है, सो आप जाके चेकआउट कर सकते हो रिगार्डिंग मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, अदरवाइज यहाँ पे तो आपको मिलेगा ही। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रायोरिटाइजिंग द वर्क परमिट प्रोसेसिंग फॉर क्रिटिकल ऑक्यूपेशन। सब कितने ऑक्यूपेशन है जो क्रिटिकल है, राइट, सो उनको उन्होंने सबसे पहले प्रायोरिटी दी है। ओके, यहाँ पे लास्ट में, अब लास्ट तक मेरा वीडियो देखिए, उनमें NOC लिस्ट भी दी हुई है। राइट, सो यू कैन ऑल्सो चेक आउट कि आपकी NOC इसमें फॉल होती है कि नहीं। ओके, सो ये गाइडलाइन है कि ESDC क्या है, एम्प्लॉयमेंट सोशल डेवलपमेंट कनाडा विल प्रायोरिटाइजिंग द प्रोसेसिंग ऑफ LMIA फॉर द फॉलोइंग NOC कोड रिलेटेड टू क्या रहेगी। क्रिटिकल ऑक्यूपेशंस क्या है, फर्स्ट है एग्रीकल्चर, एग्री फूड, ट्रक ड्राइविंग, हेल्थ रिलेटेड ऑक्यूपेशन। ओके, सो हम देख लेते हैं, मोस्ट लाइसेंस हेल्थ प्रोफेशनल वी कम अंडर द वर्क परमिट एग्जामिशन फॉर प्रोवाइडर्स ऑफ इमरजेंसी सर्विसेज फॉर शॉर्ट असाइनमेंट, बस उसकी थोड़ी कंडीशंस भी है। ओके, बहुत सारे लाइसेंस वर्कर है, राइट, हेल्थ प्रोफेशनल है, वो कनाडा में वर्क परमिट एग्जामिशन पे आ सकते हैं, राइट, फॉर अ शॉर्ट असाइनमेंट, राइट, इमरजेंसी सर्विस की, इफ दे वांट टू प्रोवाइड सम इमरजेंसी सर्विसेज, राइट। ओके, नेक्स्ट क्या है, दोज हु वांट टू ट्रैवल बाय एयर, राइट, फ्रॉम समवेयर अदर देन यूएस, यूएस अभी ओपन नहीं हुआ है। ओके, सो इंडिया भी में इंक्लूडेड है, सो वी कैन ट्रैवल बाय एयर इंडिया टू कनाडा। ओके, सो दे हैव टू प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट करना पड़ेगा, अ लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, इसका भी इंफॉर्मेशन मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है, सो एंड तक मेरा वीडियो देखिए तो आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, व्हाट इज मीन बाय अ लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन। ओके, सो व्हाट, क्या उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा, अ लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन टू द एयर कैरियर टू बोर्ड द फ्लाइट अनलेस दे आर ऑलरेडी हैव अ वैलिड वर्क परमिट इन देयर पोजीशन। ओके, सो ये हेल्थ प्रोफेशनल है, उनको क्या है, शॉर्ट असाइनमेंट पे इमरजेंसी में वो लोग लैंड कर सकते हैं, बट वो USA नहीं होने चाहिए, अदर देन US। ओके, सो हम देख लेते हैं कि NOC कोड क्या है, रिलेटेड टू वर्क परमिट applications आर प्रायोरिटी। NOC प्रायोरिटी किसको दी है, राइट, किस NOC को उन्होंने प्रायोरिटी दी है, तो फर्स्ट है क्रिटिकल ऑक्यूपेशन की लिस्ट में NOC नंबर 6331, जो इनको जाना है, बुचर, मीट कटर एंड फिश मॉन्गर, रिटेल एंड होलसेलर में, राइट। और एक गाइडलाइन है, IRCC ने गाइडलाइन दी है कि जिनको न्यू एप्लीकेशंस भी देनी है, राइट, रिगार्डिंग दिस NOC, वो न्यू एप्लीकेशंस वो भी अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट, नाउ दे आर एक्सेप्टिंग न्यू एप्लीकेशंस। ओके, सो नेक्स्ट है NOC नंबर 7511, ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर, राइट, जो हु आर द लुकिंग फॉर द वर्क इन कनाडा एज अ ट्रक ड्राइवर, दे कैन अप्लाई ऑन दिस NOC 7511। ओके, एंड नाउ दे आर एक्सेप्टिंग दिस
एप्लीकेशंस एनओसी नंबर 8252 एग्रीकल्चर के बारे में है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स, फार्म सुपरवाइजर स्पेशलाइज एंड लाइव स्टॉक वर्कर्स। एनओसी नंबर है 8431 जनरल फार्म वर्कर्स। एनओसी नंबर 8432 नर्सरी एंड ग्रीन हाउस वर्कर्स, सो रिगार्डिंग ऑल एग्रीकल्चर एंड एग्री वर्क। 8611 हार्वेस्टिंग लेबर्स, ओके। 9463 फिश एंड सी फूड प्लांट वर्कर्स। 9617 लेबरर इन फूड बेवरेजेस एंड एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट्स प्रोसेसिंग, ओके। फूड इंडस्ट्री में जो है उनका एनओसी क्या रहेगा, 9617, वो क्रिटिकल ऑक्यूपेशंस में है और उनको प्रायोरिटी दी है कनाडा गवर्नमेंट ने, ओके। नेक्स्ट क्या रहेगा, एनओसी 9618, ओके, लेबर इन फिश एंड सी फूड प्रोसेसिंग। 9462 राइट, इंडस्ट्रियल इन बुशर एंड मीट कटर पोल्ट्री प्रिपेयर एंड रिलेटेड वर्कर्स। सो एग्रीकल्चर में जो है उनके एप्लीकेशन अभी दी है, उन्होंने एप्लीकेशन नंबर जनरेट कर दिया है, तो प्लीज इश्यू वेव फॉर्म, ओके। सो आपकी एप्लीकेशन को भी प्रायोरिटी दी जाएगी, राइट। अगर कोई अभी प्रिपेयर कर रहा है, राइट, तो वो भी जल्दी जल्दी से एग्जाम दे के इनमें एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं, राइट, बिकॉज ये क्रिटिकल ऑक्यूपेशन है एज पर ISCC गाइड। नेक्स्ट देख लेते हैं 3011 हेल्थ वर्कर के बारे में है, ओके। नर्सिंग, वी ऑल नो नर्सिंग की बहुत डिमांड है कनाडा में, राइट। नर्सिंग कोऑर्डिनेटर एंड सुपरवाइजर। 3012 रजिस्टर्ड नर्सिस है, राइट, जिसके पास प्रोफेशनल लाइसेंस है, राइट, दैट्स कॉल्ड रजिस्टर्ड नर्सर नर्सिस, रजिस्टर्ड साइकेट्रिक नर्सिस, ओके। 311 राइट, 3112 जनरल प्रैक्टिस GP है एंड फैमिली फिजिशियंस है, उनको भी प्रायोरिटी दी है। नेक्स्ट है 3124, ओके, अलाइड प्राइमरी हेल्थ प्रैक्टिशनर। सो ये रिगार्डिंग कौन सा है, मेडिकल के वर्कर्स है, राइट, सो उन्होंने मेडिकल को भी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा दी है। नेक्स्ट है 3125 अदर प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन इन हेल्थ डायग्नोसिंग एंड ट्रीटिंग। 3131 फार्मासिस्ट की भी डिमांड बहुत होती है कनाडा में। नेक्स्ट क्या है 3231 मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट। 3212 मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन एंड पैथोलॉजिस्ट। 3214 रेस्पिरेटरी, ओके, क्लिनिकल एंड टेक्नोलॉजिस्ट, ओके। 3214 नेक्स्ट है 3215 मेडिकल रेडिएशन। 3217 वो कार्डियोलॉजिस्ट में है, राइट, तो आपका अगर एनओसी इसमें फॉल होता है तो प्लीज चेक आउट इन द ISCC वेबसाइट, तो आपको ये एनओसी के रिगार्डिंग फुल इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। 3233 लाइसेंस एंड प्रैक्टिकल नर्सिस। 3234 पैरामेडिकल ऑक्यूपेशंस। 3413 नर्सिस एड्स ऑर्डर लाइंस एंड पेशेंट्स, राइट, सर्विस एसोसिएशन। 4411 एंड 4412 होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर एंड होम सपोर्ट वर्कर एक्सक्लूडिंग हाउस कीपर्स, ओके। ये जो 4411 और 4422 है, सो वो लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस किया गया है, इसका एनओसीबी लेवल बहुत, CLB लेवल बहुत कम है, सो करीबन 5 और 5.5 चाहिए, राइट, यू डोंट रिक्वायर मोर CLB फॉर दिस एनओसी। अगर आपको फुल इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग 4411 होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर एंड 4412 होम सपोर्ट वर्कर, सो प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जॉब लेटर में चाहिए, कौन कौन से फॉर्म्स है, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में अगर आपने लिखा कमेंट बॉक्स में, राइट, क्या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो 110% आई विल प्रोवाइड यू फुल इंफॉर्मेशन, ओके। सो यू डोंट रिक्वायर टू गो फॉर एजेंट, ओके, आपको सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। सो हम देख लेते हैं रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन ओपन एप्लीकेशन, जिसकी एप्लीकेशन अभी ओपन है, राइट, एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है, ओके, और जस्ट बिकॉज ऑफ COVID-19 एप्लीकेशन क्या हो चुकी है, उनकी होल्ड पे है, राइट, सो वो एप्लीकेशन भी उन्होंने स्टार्ट कर दी है, राइट। अगर किसी का पेंडिंग है, PCC पेंडिंग है, बायोमेट्रिक बाकी है, पासपोर्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन, राइट, तो उन्होंने धीरे धीरे प्रोसेस स्टार्ट कर दी है रिलेशन टू टेम्पररी रेसिडेंस एप्लीकेशन, राइट। नेक्स्ट है व्हेन एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड बिकॉज प्रोसेस थोड़ा हो चुका है, राइट, अगर PCC पेंडिंग है, बायोमेट्रिक पेंडिंग है, राइट, तो क्या किया उन्होंने, प्रोसेसिंग ऑफिसर शुड सेंड अ रिक्वेस्ट लेटर एंड अलाउ
90 डेज फॉर द एप्लीकेशन एप्लीकेंट टू रिस्पॉन्ड, नेक्स्ट 90 डेज उन्होंने अलाउ किए हैं, राइट। तो आप जाके आपका डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो, ओके। और वन है नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड की है, इफ अ रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन वाज प्रीवियसली सेंट, राइट, पहले भी आपको दिया गया है विद टाइमिंग, बराबर, पर वो एप्लीकेंट ने वो टाइम कंप्लीट नहीं किया, राइट, वो टाइम भी डेडलाइन हो चुका है, ओके। तो नेक्स्ट एडिशनल 90 डेज आपको दिए है फॉर द एप्लीकेशन एप्लीकेंट टू रिस्पॉन्ड, ओके। प्रोसेसिंग ऑफिसर शुड ब्रिंग फॉरवर्ड द एप्लीकेंट्स एप्लीकेशन एंड अलाउ एन एडिशनल 90 डेज फॉर द एप्लीकेंट टू रिस्पॉन्ड, राइट। पहले 90 डेज दिए थे, उसमें भी डेडलाइन खत्म हो चुकी है, यू हैव नॉट प्रोवाइडेड योर डॉक्यूमेंटेशन, ओके। सो उन्होंने नेक्स्ट डेडलाइन भी आपको प्रोवाइड की है, विद इन नेक्स्ट 90 डेज यू हैव टू रिस्पॉन्ड फॉर योर एप्लीकेशन, राइट। अंटिल फर्दर नोटिस एप्लीकेशन विल नॉट बी रिफ्यूज फॉर नॉन कंप्लायंस, ओके। आपको एक नोटिस भी दी जाएगी तब भी आपकी एप्लीकेशन वो लोग रिफ्यूज करेंगे, ओके। सो लास्ट पहले मैंने बताया था, व्हाट यू मीन बाय लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, ओके। बहुत बार अगर आप जाओगे वेबसाइट पे IRCC की और कोई न्यूज देखोगे तो आपको दिखाई देगा लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन स्टडी परमिट में, वर्क परमिट में, LMIA में। सो पहले जान लेते हैं व्हाट यू मीन बाय लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन। सो इट इज कॉल्ड पोर्ट ऑफ एंट्री, ओके, POE, पोर्ट ऑफ एंट्री। सो लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन इज नॉट योर स्टडी और वर्क परमिट, राइट। एक एक डॉक्यूमेंटेशन है वो वर्क परमिट नहीं है, स्टडी परमिट नहीं है, राइट। कीप दिस लेटर विथ यू, जो आपको लेटर वो भेजे वो आपको अपने साथ रखना है, ओके। यू मस्ट शो दिस लेटर टू द ऑफिशियल एट द पोर्ट ऑफ एंट्री व्हेन यू अराइव इन कनाडा टू गेट योर स्टडी और वर्क परमिट। और वहां से ही जब आप अराइव होगे पोर्ट पे ही आपको स्टडी परमिट और वर्क परमिट देंगे, बट विद सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस, ओके। सबको नहीं मिलता, राइट, बट लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन है वो आपको पोर्ट ऑफ एंट्री पे 110% यू हैव टू शो दिस लेटर टू देयर ऑफिशियल, ओके। सो अगर आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए कनाडा के बारे में, स्टडी परमिट के बारे में, वर्क परमिट के बारे में, ओके, और NOC के बारे में, क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या SELB चाहिए, राइट, हाउ टू सी द योर CLB, सो प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, ओके। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सो आपको नई नई अपडेट मिलते रहेंगे। और आपका सपना है जो कनाडा में जाने का, वहां सेटल होने का, सो वो सपना फुलफिल हो सके, राइट। थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय गाइस।